खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। पूरा हिंदुस्तान अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से उभरा नहीं है, किंतु जब तक डेंगू ने जनता को त्रस्त कर दिया है। रुदावल क्षेत्र में भी डेंगू इस कदर फैल रहा है जिससे कई मासूम मौत के मुंह में जा चुके हैं, जिसके चलते जनता में भारी भय बना हुआ है। डॉक्टर सौमित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को अपने घरों के आसपास गंदगी ना फैलाएं, एवं गंदे पानी को ना भरने दें। रात्रि में मच्छरों से बचाव के लिए कॉइल एवं एंटी मॉस्किटो बल्ब का प्रयोग करें। वहीं डॉक्टर सौमित का कहना है कि बुखार को नॉर्मल फीवर ना लें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें जिससे डेंगू जैसी घातक बीमारी का समय से उपचार हो सके। सीएससी बदावर पर डेंगू की किट के द्वारा जांच प्रारंभ कर दी गई है और फॉगिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। और सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि घर पर यहाँ भी पानी जमा हुआ है, आप उसको पानी के लिए जमा ना होने दें और हर जगह मिट्टी का तेल, जहाँ भी पानी जमा हुआ है वहाँ पर मिट्टी का तेल MLO वगैरह डाल के उसको साफ करें। भरतपुर से कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।